आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी मज़ेदार मिठाई जो मज़ेदार या टेस्टी तो है ही, उसके साथ साथ हेल्दी भी है। इसका नाम है आटा बर्फी। आटा बर्फी बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से आप इसे घर पर बना सकते हैं। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो और झटपट आपको कुछ तैयार करना है तो आप ये बर्फी बना सकते हैं। और इसकी एक खास बात है कि आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें हम 1.5 कप आटा डाल लेंगे। 1 कप और आधा कप, यानी कि टोटल मैंने 1.5 कप इसमें आटा डाला है। अब आटे को हम हल्का सा भून लेंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे, हल्का सा बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे भून लेंगे। हाई फ्लेम इसकी बिल्कुल नहीं रखनी है। तो 2 से 3 मिनट मैंने आटे को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। 1.5 कप हमने आटा लिया है तो 1/2 कप हम इसमें घी डाल रहे हैं। तो 1/2 कप हम घी डाल लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। आटे को हमें तब तक भूनना है जब तक कि आटे का हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और इसमें अच्छी सी शाइनिंग ना आ जाए और भीनी भीनी खुशबू, यानी कि जब हम आटे को या बेसन को भूनते हैं तो उसमें से खुशबू आती है, तो वो खुशबू ना आ जाए। तो लगातार हमें 8 से 10 मिनट इसे लो फ्लेम पर ही भूनना है। तो 8 से 10 मिनट हो गई हैं, देखिए आप देख सकते हैं इसने हल्का हल्का घी भी छोड़ दिया है और ये हल्की सी शाइनिंग भी इसमें आ गई है। पकाते पकाते हल्का सा जब ये घी छोड़ने लगे, देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें हल्की सी शाइनिंग आ गई है, तो यानी कि आटा अच्छे से हमारा भून चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसको अलग निकाल लेंगे। कढ़ाई अभी गर्म है तो इसको हम चलाते रहेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये हल्का सा दानेदार भी हो गया है और इसने हल्का सा घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर की जगह आप 50 से 100 ग्राम इसमें मावा भी डाल सकते हैं। इसने हल्का हल्का घी छोड़ दिया है तो इसलिए हम ऐसे ही मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेंगे। गैस पे रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से देखिए इसमें अच्छे से मिल गया है। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम पैन लेंगे और उसमें मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ, तो चीनी डाल लेते हैं और 1 कप ही हम पानी डालेंगे। इसकी हमें 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हल्की सी चिपचिपी हो, बस 1/2 तार बने, बस ऐसे ही हमें इसकी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। चाशनी में उबाल आने के बाद हमें 3 से 4 मिनट इसको और पकाना है। यहाँ मैंने 1/4 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाला है। आप इसमें केसर के धागे भी डाल सकते हैं जिससे बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा, या आप केवड़ा एसेंस या रोज़ वाटर, जो भी एसेंस आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। देखिए चेक कर लेते हैं चाशनी को, देखिए इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, हल्का सा चिपचिपा है, बस ऐसी ही हमें चाशनी चाहिए, हल्का इसमें 1/2 तार बने, बस ऐसी चाशनी। 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। अब चाशनी को हम जो हमने मिक्सचर तैयार किया है आटे का उसमें डालकर अच्छे से मिला लेंगे और इसको गैस पे रख के ही हम अब 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो गैस पे रख दिया है मैंने इसको और अच्छे से चाशनी चलाते हुए हमें मिक्स करनी है अच्छे से, इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छी इसमें शाइनिंग आ जाएगी और हल्का सा दरदरापन हो आ जाएगा, जैसे हमने मिल्क पाउडर डाला है तो उससे बिल्कुल मावे जैसा इसमें टेस्ट आएगा। देखिए ये बहुत ही जल्दी इकट्ठा होने लगेगा, जैसे जैसे पकेगा ये हल्का सा इकट्ठा होने लगा, जैसे आप डो बनाते हैं हम आटे का, बिल्कुल ऐसा होने लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये बनकर तैयार हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत ही अच्छी शाइनिंग है और ये मिठाई खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप एक बार अगर बनाएंगे ना तो बार बार इसको बनाकर खाना चाहेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और हेल्दी भी है, आपके लिए बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बस ये बनकर तैयार हो गई है।
अब हम एक थाली या प्लेट जो भी जिसके किनारे उठे हुए हों, आप ऐसी टीनी या प्लेट थाली ले सकते हैं। हल्का सा उस पे घी लगा देंगे, घी से हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम इसमें बर्फी बनाएं तो आसानी से ये निकल जाए। तो चलिए हम आटे का मिक्सचर इसमें डाल देते हैं और अच्छे से फैला लेंगे। इसको अच्छे से स्पैचुला से या आप चम्मच से इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। तो चलिए इसको अच्छे से हम सेट कर लेते हैं, बिल्कुल एक जैसा कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है, ऊपर से स्पैचुला से बिल्कुल अच्छे से इसको प्रेस कर दिया है, बिल्कुल अच्छा एक जैसा हो गया है। अब हम बारीक कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता, आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ बारीक कटे हुए काजू, बादाम और इस पे पिस्ता थोड़े से डाल दिए हैं और स्पैचुला से हल्के से प्रेस कर लेंगे हम ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए इसके साथ ही। और इसको सेट करने के लिए हम करीब करीब 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे या आप बाहर भी इसे छोड़ देंगे तो भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए 1 घंटा हो गया है, मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया और अच्छे से ये सेट भी हो गया है देखिए। और हल्का सा मैंने इस पे चांदी वर्क लगा दिया है, चांदी वर्क बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो, आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम बर्फी को कट कर लेते हैं। आप अपनी पसंद से स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में, जैसे भी आपको पसंद हो आप बर्फी कट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ कट कर ली है, आपको दिखा रही हूँ एक बार, देखिए वाओ एकदम मज़ेदार। आप इसका टेक्सचर देख पा रहे होंगे, बहुत ही टेस्टी ये बर्फी है, बहुत ही अच्छी, एकदम मज़ेदार, टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना और झटपट 10 मिनट में ही तैयार हो जाती है। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, देखने में तो सुंदर लग रही है, खाने में तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है ये। आप इसे आसानी से बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हैं। बर्फी बनाकर मैंने तैयार कर ली है, आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा सुंदर ये लग रही है। आप इसको बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कर सकते हैं फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पे आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।